अकलेरा में युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। युवक अपने मामा के घर गया था, जहां बहन और पत्नी को मामा के यहां छोड़कर घूमने चला गया। उसके बाद काफी देर तक जब युवक नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की और पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस खानपुर के डूडी गाडरवाड़ा पहुंची और तफ्तीश शुरू की। इस दौरान युवक के मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें उसके अपहरण की सूचना मिली और 5 लाख की राशि की मांग की। परिजनों ने जब पूछा कि राशि कहां भिजवानी है तो ये राशि उज्जैन पहुंचाने की बात कही गई। पुलिस ने युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर MP के कालीपीठ थाना क्षेत्र के मकान से घायल युवक को बरामद किया। युवक के पूरे शरीर पर ब्लेड के चोट के निशान थे, जगह जगह काटा गया था। परिजनों ने बताया कि युवक का अपहरण 5 लाख के लिए किया गया था और 2 आरोपी युवक द्वारा अपहरण करने की बात सामने आ रही है। युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया गया था। अब युवक होश में आने लगा है और 2 जनों द्वारा अपहरण करने की बात कह रहा है। मामले की सच्चाई सामने आने के लिए पुलिस भी गहनता से जांच में जुटी है। गनीमत यह है कि पुलिस ने 21 घंटे की मेहनत के बाद युवक को छुड़ा लिया है और अब पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है कि अपहरण हुआ या अन्य कोई मामला है। किसने मारे चाकू? ये तुम्हारे ब्लेड वेड कितने मारी है? पता नहीं कैसे हुआ आपका, मालूम है आपका अपहरण कैसे हुआ आपका? आपको कुछ मालूम नहीं है? क्या कर रहे थे आप? घर के बाहर बैठे थे? कहाँ बैठे हुए थे? गाड़ी लेके जा रहा हूँ। कहाँ पे? मामा जी के वहाँ। फिर पता नहीं है मुझे उसके बारे में। मामा के यहाँ गए थे जो गाड़ी लेके, पता नहीं इन्होंने कहा कि घुमाने जा रहा हूँ मैं, गाड़ी पार्क करने, अंदर नहीं जाती गाड़ी, तो पार्क करने गए ना तो वहाँ से ही लापता हो गई। फिर शाम को 9:30 बजे करीब मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, इन्होंने कहा कि मैसेज इनके मोबाइल से किसी ने किया है कि 5 लाख रुपए चाहिए, दवाई दे रखी है तुम्हारे भाई को। पैसे कहाँ देने की बात थी? हाँ, पैसे कहाँ मंगाए थे? उज्जैन, उज्जैन मंगाए थे पैसे। हमने कहा कहाँ लेके आए पैसे, तो कहा उज्जैन लेके आए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पुलिस ने बहुत मदद करी। फिर MP में पकड़ा है, मैं आया सांडा एडी के यहाँ पर। फिर हमें ऐसी हालत में मिले जो देखने लायक नहीं थी, बहुत गंभीर हालत में मिले हमें।